तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए दिया हुआ है 0.99999। इसे आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसको किस रूप में हम लिखें। तो देखिए 0.99999 ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को हम इस तरह लिखेंगे, 0.9 का बार लिखेंगे। अब जब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो हम 0.9 के बार को पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो इसका प्रोसेस तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.9 का बार। अब जो हमारा ट्रिक्स था उस ट्रिक्स के अनुसार हम आपको बताए थे कि बार से पहले यदि पॉइंट होता है तो उसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। और उसके बाद दूसरा ट्रिक्स क्या था, जब बार आपका एक संख्या में लिखा हुआ है, एक संख्या में दिया हुआ है, तो आप जो है सो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखिए यहाँ मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए आपका एक्स है, आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 0.9 का बार है, आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 10x हो गया। और यहाँ इसका मतलब तो आप जानते ही हो, इसका मतलब आप जान रहे हो, 0.9999 इंटू 10 यदि आप करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये एक संख्या के बाद, एक डिजिट के बाद ये जंप करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 9.999, ये चलते जाएगा। तो इसको फिर आप लिख सकते हो 9.9 का बार, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे 9.9 का बार, ये आपका इक्वेशन 2 हुआ। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप लेफ्ट लेफ्ट साइड को माइनस करते हो, 10x माइनस एक्स, राइट राइट साइड को आप माइनस करते हो, तो 9.9 के बार में आप 0.9 के बार को माइनस करते हो, तो 10x में 1x आप माइनस करोगे तो आपका जो है वो 9x होगा। और 9.9 के बार में 0.9 के बार को आप माइनस करोगे तो आपका 9 आएगा। तो x इज इक्वल टू 9/9 यानी 1/1, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1, ठीक है। तो आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे ले आए हो, इसे ले आए हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो यही आपका जो है वो आंसर हो गया।